गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, हम लोग देख रहे थे 10th क्लास का मैराथन ऑब्जेक्टिव एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणियां के सार्व अंतर। चलिए आइए हम लोग सीखेंगे आज कि सार्व अंतर है जो कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग जानते हैं, देखे हैं हम लोग, है जो यहां से देखिए, पहले एक है, दो है, तीन है, चार है, फाइव है, फिर सिक्स डॉट 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 है। अब देखिए, दो लगातार पदों का अंतर समान होगा तब दिया गया पद है जो एपी में होगा, और यहां से जो अंतर समान होगा, ये डिफरेंस अगर समान होगा तब उस डिफरेंस को ही सार्व अंतर कहा जाता है। ये डिफरेंस को ही सार्व अंतर कहा जाता है, ये कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और ये जो पद जो आपको दिख रहा है, तो इस पूरा पद को हम लोग यहां से एपी में मानेंगे। और अगर इसमें पदों की संख्या सीमित है, अगर इसमें पदों की संख्या सीमित है, तो जो दिया गया जो एपी होगा, जो सीमित इस जो दिया गया पद होगा जो सीमित एपी में आएगा, और इसमें अगर पदों की संख्या सीमित ना हो तब दिया गया जो पद होगा, जो दिया गया एपी होगा, वह असीमित एपी होगा, इनफाइनाइट एपी। अगर पदों की संख्या सीमित है तब फाइनाइट एपी। आइए हम लोग सीख चुके हैं कैसे है जो एपी में होता है कोई भी पद। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो दिया गया है, बोला है किसी एपी के तीन कर्मागत पद, कर्मागत का अर्थ होता है लगातार। चलिए तब बोला गया है किसी एपी के तीन कर्मागत पद, प्रथम पद है, दूसरा पद दिया गया है, और एक है जो तीसरा पद दिया गया है। ऐसे तब बोला है कि x का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि दो लगातार पदों का अंतर समान होगा तब दिया गया पद है जो एपी में होगा। अगर अंतर समान नहीं है तब दिया गया पद है जो एपी में नहीं होगा। और यहां से लिख चुका है कि दिया गया पद है जो एपी में, तो इसका अर्थ हुआ कि दो लगातार जो पद दिया गया है तो उसका जो डिफरेंस है जो समान होने वाला है। चलिए इसी पैटर्न को हम लोग आधार मानकर चलेंगे आगे। देखिए तो इसमें से सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा लीजिए और थर्ड पद में से सेकंड पद घटा लीजिए, तो सेकंड पद है जो 8x दिया गया है, अब माइनस फर्स्ट पद है जो आपको दिख रहा है 5x, अब प्लस में 3, ऐसे बराबर जो इक्वल होगा यहां से थर्ड पद, तो थर्ड पद है जो 9x, अब प्लस में आपको 3 दिख रहा है, अब माइनस कर दीजिए सेकंड पद 8x, तो यहां से जो 8x है अब माइनस कीजिएगा, तो यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x, और प्लस माइनस माइनस 3 बराबर यहां से 9x प्लस 3 और माइनस में 8x, ऐसे। अब देखिए जाए तो यहां से 9 में से जब 8 को घटाइएगा तो यहां x होगा, अब प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहां से 8x में से 5x को घटाइएगा तो यहां आपको 3x हो जाएगा और माइनस में 3 होगा। अब इधर ही देखिए प्लस में ही पट जाएगा तब माइनस में, तो 3 को में से 1 को घटेगा तो 2x होगा। अब यहां माइनस में है, इसको उस साइड ले चलिए, तो ये जाकर उस साइड है जो ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 3 और 3 6 होगा। अब 2 3 6, तो यहां से जो x का मान होगा ये 3 होगा, तब आपका यही आंसर होगा जो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जो दिख रहा है। ऐसे अब जस्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है कि प्रथम पद a है, सेकेंड पद a प्लस डी है, थर्ड पद पर दिया गया है जो a प्लस 2d है, फोर्थ पद दिया गया है, तो एपी में है तो सार्व अंतर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि दो लगातार पदों का अंतर समान होगा तब दिया गया जो पद है जो एपी में होगा, तब यहां से सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा लीजिए, एपी में बोला गया है माने इसका जो अंतर है जो समान होगा ही होगा। चलिए तो सेकंड पद है जो a प्लस डी है, और यहां से फर्स्ट पद घटा लीजिए जो फर्स्ट पद दिया गया है a, तो a से a है जो कट जाएगा, तो आपको जो बचने वाला है जो d बचेगा यही
यही आपका डिफरेंस का काम करेगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन जस्ट आगे चलते हैं, देखा जाए क्वेश्चन नंबर थ्री है, बोला है कि जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर उसमें दिया गया पद है जो हमको पता नहीं है, जब लगातार डॉट 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 है तब इस एपी को क्या कहेंगे, तो इस एपी को बोला जाता है अपरिमित एपी। ये अपरिमित एपी माने इनफाइनाइट एपी है जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में देखा जाए, बोला गया कि वैसी एपी जिसका पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहते हैं, तब यहां से दिया गया कि वैसा एपी है जिसमें पदों की संख्या सीमित हो तो उस एपी को फाइनाइट एपी या सीमित एपी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ए में। ये परिमित एपी माने सीमित एपी है। क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं, किसी एपी का सार्व अंतर होता है तो दो लगातार पदों का जो अंतर होगा वही सार्व अंतर होता है, तो जो सार्व अंतर होगा कभी निगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा कभी धनात्मक होगा कभी ऋणात्मक होगा कभी शून्य होगा, कुछ भी हो सकता है। चले तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एपी का सार्व अंतर होता है केवल धनात्मक होगा केवल ऋणात्मक होगा केवल शून्य होगा, तो ये तीनों का तीनों है जो हो सकता है, तो बोला है कि तीनों कथन सत्य है। हाँ, तीनों का कथन सत्य है। हम लोग जानते हैं कि किसी एपी का अगर सार्व अंतर समान है तो वही आपका सार्व अंतर होगा, समान सिर्फ होना चाहिए, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे शून्य भी न क्यों ना हो, चलिए सभी है जो आपका सार्व अंतर का लाएगा। यदि पी प्लस वन टू पी प्लस वन थ्री यहां से फोर पी माइनस वन है में एपी में है तो पी का मान क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जब दो लगातार पदों का अंतर समान होगा तब दिया गया पद है जो एपी में होगा, तब प्रथम यहां से सेकंड पद में से प्रथम पद घटा लीजिए, यहां से थर्ड पद में से आप यहां से आप सेकंड पद घटा लीजिए, घटाने के बाद पी का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पद दिया गया है तो टू पी आप प्लस वन आप माइनस कर दीजिए फर्स्ट वाला पद, तब फर्स्ट वाला जो पद है जो पी प्लस वन दिख रहा है तो इसको आप घटा लीजिए यहां से ऐसे। चलिए फर्स्ट वाला पद ये वाला घटा लीजिए, बराबर है जो आपका इधर से जो दिखेगा यहां से थर्ड पद है तो फोर पी अब माइनस में वन दिख रहा है, या माइनस में वन अब माइनस कीजिए आप है जो देखिए सेकंड पद यहां वाला दिख रहा है तो यहां से तो टू पी अब प्लस में वन इसको माइनस कर लीजिए, तो यहां देखिए तो यहां से तो टू पी प्लस वन यहां से प्लस माइनस माइनस होगा पी और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वन बराबर होगा फोर पी अब माइनस में वन हो जाएगा, अब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में टू पी होगा और प्लस माइनस माइनस में वन हो जाएगा ऐसे। देखा जाए वन से वन है जो कट जाएगा ये वाला आपका, तो यहां से देखिए दो गो पी में से एक गो पी को जब घटाइएगा तो यहां से एक पी बचेगा, इधर में खाली सिर्फ पी बचा है, तो यहां से फोर पी में से जब टू पी घटाइएगा तो यहां भी टू पी हो जाएगा, अब माइनस वन तब माइनस में टू हो जाएगा ऐसे। अब यहां देखिए कुछ नहीं करना है, देखा जाए अब यहां से देखिए दो गो पी इधर प्लस में पट जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहां से एक में से दो घट जाएगा तो माइनस वन पी हो जाएगा, अब बराबर माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिएगा तब पी बराबर आपको टू हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका दिखेगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए पहले छाप लीजिए हटा रहे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है टू। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है कौन समांतर श्रेणी नहीं है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम लोग वैसा श्रेणी को ढूंढेंगे जिसमें दो लगातार पदों का बीच का जो डिफरेंस है जो समान नहीं होगा वही आपका दिया गया पद है जो एपी में नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए 42 में से जब 21 को घटाइएगा तो डिफरेंस 21 होगा, अब 63 में से जब 42 को घटाइएगा तो डिफरेंस भी 21 होने वाला है ऐसे, डिफरेंस 21 होने वाला है,
अगर आप 84 में से 63 को घटाइएगा, इसके बाद भी जो डिफरेंस है जो 21 होगा, तो ये है जो एपी में है। अब यहाँ से देखिए, इसमें से देखते हैं तो 7 से जब 5 घटाइएगा तो 2 होगा, 9th में से 7 घटाइएगा तो 2 होगा, 11th में से 9 घटाइएगा तब 2 होगा, तो ये भी एपी में है। अब यहाँ भी ये जो दिया गया है ये भी एपी में है, 0.3 में, या 0.33। ये जो पद है, जो दिया गया पद है, जो एपी में नहीं है, ये सब जो दिया गया, जो ऑप्शन डी है, जो दिया गया पद है जो एपी में नहीं होगा। चलिए यहां से ए कॉमा बी कॉमा सी ये समानांतर श्रेणी में है तो बी का मान बताएं। ये दिया गया पद है जो एपी में है, तब इसमें बी का मान पूछा है कि बी का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि दो लगातार पदों का जो बीच का जो डिफरेंस है समान होगा, तब दिया गया पद है जो एपी में होगा। यहां से सेकंड पद बी है, बी में से अगर फर्स्ट, या देखिए दूसरा पद में से पहला का पद घटा लीजिए और तीसरा पद में दूसरा पद घटा लीजिए, तो दोनों पदों का जो अंतर है जो समान होगा वही दिया गया पद है जो एपी में होगा। यहां से बोला गया है तब यहां दूसरका पद में से पहला का पद घटा लीजिए और तीसरका में से दूसरका घटा लीजिए। अब देखिए इधर माइनस इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर लाइएगा तो जुट जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपको 2b। अब इधर है जो c प्लस में है, इधर देखिए माइनस में है, इधर इसको ले चलेंगे तो ये भी प्लस में जाएगा, तब प्लस में है जो a हो जाएगा, इधर गुना में जाएगा तब भागा में, तो b बराबर होगा c प्लस a बाई 2। अब ऑप्शन में दिख रहा है तो यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर b में आपको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन जस्ट आगे चलते हैं, सभी क्वेश्चन है जो 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से है जो बनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9th है, बोला गया कि समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें, रिक्त स्थान को भरें, ये रिक्त स्थान है इसको आपको भरना है। चलिए देखिए यहां से ए है जो दिया गया जो पद है प्रथम पद है, ए है जो तीसरा पद है, तो यहां से प्रथम पद माने ए का मान है जो 2 दिया गया है। अब यहां से तीसरा पद दिया गया है तो थर्ड पद को हम ए 3 के द्वारा डिनोट करते हैं और इसका जो मान है जो 26 दिया गया है, तो तीसरा पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस में 2d अब बराबर 26 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें प्रथम पद का जो मान दिया गया है कि 2 है तो यहां 2 रख दीजिए, तो 2 प्लस 2d अब बराबर यहां से 26 रख दीजिए, इधर प्लस में ये सट जाएगा तब माइनस में, तो 26 में से 2 घटेगा तो 2d बराबर हो जाएगा 24। अब 12 दूना 24 तो d बराबर है जो आपको 12 हो जाएगा। जैसे ही आपका मान d का मान है जो 12 आ गया, तो हमको पूछा गया है कि सेकंड पद क्या होगा, तो सेकंड पद को a2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, a2 बराबर लिख सकते हैं a प्लस d, a का मान है जो 2 आ चुका है आपको, a का मान 2 दिया गया है और d का मान अभी जस्ट निकाला है 12, तो 12 2 को जब एड कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। जब इसको क्लियर करेंगे तब पता चलेगा, देखिए हटा रहे हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे बोला गया है कि 10 में कि एपी 12 17 22 27 का सार्व अंतर क्या होगा, तो दो लगातार पदों का जो बीच का अंतर होगा वही सार्वंत्र कहलाएगा, तो 17 में से 12 घटाइएगा तो बीच का अंतर है जो 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है यही आपका एपी में होगा और सार्वंतर भी कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जस्ट है 11th में आते हैं, 0.6 0.17 28 39 का प्रथम पद क्या होगा, ये शुरू वाला पद ही है इसे प्रथम पद कहते हैं, तो इसका जो प्रथम पद होगा जो 0.6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है, ये नहीं है जो पूछा गया है, तो यहां देखिए यहां से 4 से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, 8 से 4 घटाइएगा तो 4 होगा, ये 2 है 4 है, 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 होगा, तो ये दिया गया पद है जो एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है जो पूछा है कि कौन एपी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A1 है, ए है जो दिया गया पद है जो एपी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, बोला गया कि 3/2 1/2 -1/2
और माइनस थ्री बाई टू के लिए सार्व अंतर क्या होगा? ये दिया गया पद है जो एपी में है। चलिए हम लोग दो पदों का बीच का अंतर निकालेंगे, वही दिया गया पद का एपी होगा। तो यहां से सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटा लीजिए, तो वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू। अब दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो टू होगा, ए काटेगा एक मरतबे, एक भी काटेगा एक मरतबे, तो थ्री का थ्री। तो माइनस थ्री में से वन में से माइनस थ्री को घटाइएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और टू टू है जो कट जाएगा, तो माइनस वन होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि माइनस वन में से माइनस थ्री घटाए, तो वन में से माइनस थ्री ऐसे करके घटा लीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो आपको गड़बड़ा जाएगा। बोला गया है कि दिया गया एपी का सार्व अंतर क्या है, तो थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री का सार्व अंतर क्या होगा? तो यहां से हम लोग जानते हैं कि सेकंड पद में से प्रथम पद घटाएंगे वही एपी होगा। दो लगातार पदों का बीच का अंतर होगा वह एपी में होगा। माइनस वन में से वन भी घटाइएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और यहां से वन में से थ्री को घटाइएगा तो माइनस टू होगा। तो यहां से घटा लीजिए आप, माइनस टू होगा जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखा जाए निम्न में कौन एपी में नहीं है। एपी में नहीं, एपी की पहचान करने के लिए है जो दिया गया है। देखिए तो 6 4 10, यहां से फिर है 16 16 6 22, ये दिया गया पद है जो एपी में है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है जो 6 का है, और हम हमेशा जो 6 6 से बढ़ रहा है, तो ये दिया गया पद है जो एपी में है। यहां देखिए -2 से 2 हुआ 2 से -2 हुआ, तो एक बार बढ़ा है एक बार घटा है, तो यह दिया गया पद है जो एपी में नहीं होगा। कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसलिए दिया गया पद जो एपी में नहीं होगा। तो पूछा कि कौन एपी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, देखा जाए यहां से दिया गया कि -5 -1 3 7 एपी में है, तो डी का मान क्या होगा? तो दो लगातार पदों का जो बीच का जो डिफरेंस होता है वही है जो आपको एपी में होता है। तो 7 में से आप 3 घटा लीजिए तो यही आपका एपी में होगा। तो 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 होगा, यही पद का है जो सार्व अंतर कहलाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं, देखा जाए 0.6 यहां से 1 का इसमें सार्व अंतर क्या होगा? तो सेकंड पद में से प्रथम पद घटा लीजिए तो 1.7 में से माइनस कर लीजिए 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव, 1 में से 0 घटाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1.1 होगा, वही सार्व अंतर कहलाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, यहां से बोला गया है कि दिया गया एपी में है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? तो यहां से 5/3 माइनस में 1/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, एक मरतबे काटेगा तो 5, एक मरतबे काटेगा तो 1 हो जाएगा। यहां 5 में से 1 को घटाइएगा तो 4/3 हो जाएगा, नीचे में 3, यही आपका सार्व अंतर कहलाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। दो लगातार पदों का बीच का जो अंतर होता है वही सार्व अंतर कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, बोला है a1 a2 a3 है, an तक है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? तो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो a2 माइनस a1 होगा, यही आपका सार्व अंतर हो सकता है, नहीं तो a3 माइनस a2 होगा, ये भी सार्व अंतर होगा। दो कर्मागत पदों का बीच का जो अंतर होगा वही सार्व अंतर कहलाएगा। ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला से पहले वाला संख्या में से घटाना है, इधर वाला संख्या जो होगा बढ़ते क्रम में है जो घटाना है, इधर जाइए फिर घटा लीजिए, वही आपका सार्व अंतर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है डी में, a2 माइनस a1 है, यही आपका सार्व अंतर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है जो आते हैं, यहां 3 है 13 है 23 है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो यहां से एपी में दिया गया तो दो लगातार पदों का बीच का अंतर समान होगा, तो 13 में से 3 को घटाइएगा, यही सार्व अंतर होगा। तो 13 - 3 = 10, यही आपका सार्व अंतर कहलाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, निम्नांकित में कौन एपी, निम्नांकित में से दिया गया है एपी में, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है एपी में है। तो यहां से देखिए ये 2 है 4 है 8 है 16 है, 2 के बाद 4 हुआ 4 के बाद 8 हुआ 8 के बाद 16 हुआ, ये अलग अलग संख्या से बढ़ते जा रहा है, तो दिया गया पद एपी में नहीं है। 1 के बाद 3 हुआ 2 बढ़ा 2 के बाद 9 हुआ 6 बढ़ा 6 के बाद 27 हो गया, ये 18 बढ़ गया था, ये भी है जो दिया गया पद एपी में नहीं है। यहां से ए है, ए का स्क्वायर ए का क्यू है, 1 के बाद 4 हो गया, तो ये भी पद है जो एपी में नहीं है, ये सब पद एपी में नहीं है। तो ये वाला जो पद है जो दिया गया पद है जो एपी में हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, अगर प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो एपी का रूप क्या होगा? तो एपी का रूप होता है प्रथम पद ए हो गया, अब इसका जो आगे बढ़ाइएगा तो ए पद में डी है जो सिर्फ जोड़ते जाइए, अगला जो पद होगा जो ए प्लस टू डी होगा, इसके बाद जो फिर आगे वाला पद होगा जो ए प्लस थ्री डी होगा, फिर आगे वाला पद होगा तो ए प्लस है जो फोर डी होगा, ए है जो हमेशा डी डी को ऐड करते जाइएगा, वही पद है जो आपका सर्वांतर में होगा, ये डी डी मैंने डिफरेंस होता है। तो यहां देखिए, तो यहां से ए वाला जो पद है ए है, एक बार ए डी है, एक बार ए टू डी है, फिर एक बार ए थ्री डी होगा, ए फोर डी होगा, यही पद है जो आपका एपी में होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, फिर एक बार ए थ्री डी होगा, ए फोर डी होगा, यही पद है जो आपका एपी में होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए तीन यहां से क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, यहां से 7, 10, 13, 16 एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद है जो 7 है, यही आपका प्रथम पद होने वाला है जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए व्यापक रूप में एपी A1, A2, .. AN के लिए सार्वांतर का मान क्या होगा, जबकि ये इतना, यहां देखिए इतना और ए के क्रमशः के प्लस वन वे और के वे पद है तो इसका मान क्या होगा? तो ये है जो मान लीजिए कि कोई एपी का है जो दसवां पद ए वाला दिया गया है और नौवां पद ए वाला दिया गया है, तो दसवां पद से नौवां पद घटा ले देंगे वही आपका जो है जो सार्वंतर होगा। तो यहां से ए वाला घटाइएगा तो के प्लस वन में से माइनस कर लीजिए ए के, यही जो आपका जो अंतर होगा यही जो है कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो यही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन में है जो नहीं दिख रहा है, ये जो ऑप्शन है जो दिख रहा है थोड़ा, तो मगर ए है जो थोड़ा सा ऑप्शन है जो देखिए बढ़िया से देखिए, तो यहां से अगर बनाइएगा इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, यहां से ए के अब प्लस में ओवन रहता अब माइनस में एक ही होता तब ऑप्शन नंबर है जो सही होता, मगर वन ऊपर में लिखा है ये चलते ऑप्शन नंबर वन है जो गलत होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 26 देख लेते हैं, देखा तो निम्नलिखित में कौन एपी है? तो यहां देखिए एक है, तीन है, नौ है, 27 है, ये अलग अलग है, यहां से एक का स्क्वायर एक होगा, दो का स्क्वायर चार होगा, पांच का स्क्वायर 25 होगा, ए भी एपी में नहीं है। यहां देखिए जीरो से माइनस चार हुआ, माइनस से हुआ माइनस फोर घटा है, अब फिर जो माइनस फोर से माइनस एट हो गया, ए भी माइनस फोर घटा, और यहां से माइनस बारह हो गया, तो यहां से चार चार का डिफरेंस है जो घटते जा रहा है, तो यहां दिया गया पद जो एपी में होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है तो एपी का 3 पद निकला है, आपको किसी एपी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है तो उस एपी का 3 पद है जो आपको लिखना है। देखिए प्रथम पद ए लिखिए, सेकंड पद है जो ए प्लस डी लिखिए, थर्ड पद है जो आप ए प्लस टू डी लिख दीजिए ऐसे, तो ए का मान आपको दिख रहा है कि ए का मान है जो 2 लिखा गया है और डी का मान है जो 3 लिखा गया है, तो ए का मान 2 होगा प्रथम पद हो गया। अब यहां से देखिए ए का मान है जो 2 लिख दीजिए, यहां 2 प्लस में डी का मान 3 लिख दीजिए, तो 2, 3, 5 है तो सेकंड पद हो जाएगा 5, और ए का मान 2 है प्लस में 2 और डी का मान 3 है, तो 3 × 6 = 6 जोड़ दीजिएगा, तो 6 + 2 = 8 जो ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा 2, 5, 8 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही आपका एपी में होगा। आज के लिए तय रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।